الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين محمود رب الأشرفين ورب الأرحمين جد الحسن مولانا مولانا فقرين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. آگے ٹی وی پہ چالو کر تو وہیں بٹھا دو. سيما بقية الله إمام المنتظر المهدي الذي لأجله اجتمعنا في هذا المكان المبارك. أما بعد فقد قال المعصوم عليه السلام: تجلسون وتتحدثون ما شئتم. قال: نعم يا مولاي نجلس وتتحدث. صلوات بڑے محمد آل محمد کی ذات پر. اللهم صل على محمد وآل محمد. سب سے پہلے تو اس روح کائنات سر بقائے کائنات امام مہدی کے منتظر کی آپ سب کے خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. خوش نصیب ہیں ہم کہ ہمیں یہ اطمینان ہے کہ ہمارا ایک راہبر راہنما ہماری کوئی دیکھ بھال کرنے والا آج بھی موجود ہے. یہ اور بات ہے کہ مولا کے رحبت بڑی ہی شاخ ہے ہمارے اوپر، کیونکہ اس غیبت کا اثر مومنین کو کمزور کر رہا ہے اور منافق اور ظالمین کو شہزور کر رہا ہے. لیکن ہم اطمینان کے ساتھ اپنے روح ایمان کو تازگی بخشتے رہیں گے، ایک روز ضرور مظاہرہ کلال جلوہ فگن ہوگا اور اس کائنات میں مومنین کو سربلندی عطا ہوگی اور کفر و نفاق کا سر نگو ہوگا. نہ ہمیں کسی شخص سے دشمنی ہے، نہ کسی شخصیت سے دشمنی ہے. کائنات میں موجود جتنی بھی مخلوق ہے وہ اللہ کے خلق کردہ ہے، چاہے وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہوں یا اللہ پر ایمان نہ رکھتے ہوں. ان سب کا خالق اور مالک ایک ہے، اور صرف خالق و مالک نہیں ہے بلکہ رازق بھی ہے. بھائی، خلق کر دینا، وجود بخش دینا یہ اور بات ہے، لیکن نافرمانی کے بعد نعمت رزق عطا کرنا یہ اس ذات کا کرامت ہے. آج اولاد، جسے دل کا ٹکڑا بھی کہا گیا ہے، قوت بازو بھی کہا گیا ہے، میوہ دل بھی کہا گیا ہے، پرورش کرنے کے بعد نالائق ہو جاتی ہے، ایک مرتبہ انسان غصے میں آ کر گھر سے نکال بھی دیتا ہے، جائیداد سے بے دخل بھی کر دیتا ہے، لیکن کتنا رحیم ہے وہ پروردگار جس نے خلق کیا ہے، جو خلق کرنے پر مجبور نہیں تھا. اس نے خلق کیا ہے، خلق کرنے پر مجبور نہیں تھا.
और ना ही इबादतों और रियादतों का मोहताज है, और ना ही वो ये चाहता है कि उसकी तोफीक तुम्हारी इबादत से उसे कोई फ़ायदा पहुँचे। कोई फ़ायदा उसे नहीं पहुँचना है, चाहे इबादतें करो या ना करो, अगर इबादतों से कोई फ़ायदा पहुँचेगा तो वो खुद तुम्हारी ज़ात को पहुँचेगा। इसलिए कि इबादत खुदावंदी एक ऐसी अक्सीर है जो इंसान को इंसानियत से बुलंद करके अशरफुल मखलूकात बल्कि वो बना देती है कि फरिश्तों के ऊपर भी फ़ख्र कर सकता है। अल्लाह ने जो इबादत के लिए कहा है, अल्लाह ने जो रियाजत के लिए कहा है, वो हमारी इबादतों का रियाजतों का मुहताज नहीं। वो अल्लाह ये चाहता है कि हम खुद अपने लिए अपनी बुलंदी का सामान करें, अपने लिए पस्ती का सामान न करें। इसलिए कि अल्लाह ने खुद ये फरमाया है, आप लोग मुतवज्जे हैं मेरी तरफ, बुलंद नारे सलवात खुद कहता है, लकद खलकना अल इंसान फी अहसन तक़वीम, कि हमने इंसान को सबसे अच्छी शय सफाई, सबसे अच्छी शय सफाई, लकद खलकना अल इंसान फी अहसन तक़वीम। मासूम फरमाते हैं अपने, मुझे बहुत ज़्यादा तवील गुफ्तगू नहीं करनी है, लेकिन ये हमारा जो है एक छोटा सा लेकिन चुनिंदा, इंशाअल्लाह जिस तरह से यहाँ पर हम चुनिंदा हैं, दुआ है बारगाह अहलियत में कि जब इमाम ज़माना का ज़ुहूर हो, इमाम मुंतज़र की बारगाह में, इमाम मुंतज़र के हुज़ूर में भी हमारी ये छोटी सी मजलिस, ये छोटी सी महफिल, छोटी सी महफिल, ये चुनिंदा चेहरे जब इमाम के सामने हम सब एक साथ पेश होंगे तो उस वक्त हमारी कैफियत क्या होगी, ज़रा गौर करें, फिक्र करें। एक ज़माना ऐसा भी आए कि जब हमारी ये महफिल इसी तरह से इमाम की खिदमत में पेश हो और हम सब इमाम के पास हाजिर हों इज्तिमाई सूरत में, उस वक्त की कैफियत और सुरूर का अंदाज़ा शायद हमें नहीं हो सकता है। इसलिए कि वो लज्जत कुछ और होगी, उसका ज़ायका कुछ और होगा, उसकी कैफियत कुछ और होगी, क्योंकि वो रुखे इमाम होगा, वो जलवे इमाम होगा जिसके हुजूर में इंसान सब कुछ भूल जाएगा। अगर जुमला समाप्त करने के लिए बैठे हैं, यूसुफ के हुस्न के सामने अगर ख़वातीन खुद को भूल कर अपनी उंगली पर चाकू चला सकती हैं, तो जमाले इमाम के हुजूर में जब हाजिर होंगे तो उस कैफियत का अंदाज़ा जो सवाल पढ़े मोहम्मद अज़ीज़ान मोहतरम अतदरिसूना व ततहद्दिसूना, बस ये छोटी सी महफिल है, इसलिए मैंने मासूम गालिबन पाँचवें इमाम के छठे इमाम का ये कौल है कि तजरिसूना ततहद्दिसूना, यहाँ पर हमारे एक एसोसिएशन से मुतालिक अफराद भी मौजूद हैं और इनका जो तरीक़ा कार है, वाकई उसी तरीक़ा कार के एतबार से मैंने इस रवायत का इंतखाब किया है। रवायत क्या है, मासूम फरमाते हैं अतजरिसूना व ततहद्दिसूना मा शेतुम, इसमें एक जुमला है मा शेतुम अतजरिसूना ततहद्दिसूना मा शेतुम, क्या तुम लोग कहीं बैठते हो और आपस में गुफ्तगू करते हो, जो चाहते हो, ये जो चाहते हो, ये लफ्ज़ पे थोड़ा सा गौर करने का, ये इमाम ने क्यों कहा इस रवायत में मा शेतुम, मैंने गौर किया मा शेतुम जो चाहते हो बैठते हो, ये इमाम ने क्यों कहा मा शेतुम, भाई इसलिए कहा क्योंकि दौर चाहे अंबिया के ज़माने का नबी अकरम से पहले के ज़माने का देखें, ज़ालिमीन का दौर हो या नबी अकरम का ज़माना हो या नबी अकरम के बाद आइमा ताहरीन का ज़माना हो, दौर हमेशा ऐसा रहा कि अगर हक वाले खुलकर हक गोई करने पर आ जाते हैं,
या तो उन्हें सूली पे चढ़ा दिया जाता है, या उनकी गला काट दिया जाता है, या उनके पैर काट दिए जाते हैं, या उन्हें खत्म कर दिया जाता है, उन्हें कब्रों तक पहुंचा दिया जाता है। इमाम अलैहिस्सलाम के हालात हैं, ये तारीख है। इमाम अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया, हक गोई होना चाहिए, मजमे में भी होना चाहिए, दार पे भी होना चाहिए, लोगों के सामने भी होना चाहिए, नजमे आम में भी होना चाहिए, हर जगह पर जलायत आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम को पेश होना चाहिए। लेकिन इमाम अलैहिस्सलाम ने उसके साथ साथ हमें एक दर्स ये भी दिया कि अगर ऐसा जगह ना हो कि जहाँ पर तुम खुलकर हक गोई कर सको, नजमे आम में अहले बैत की विलायत का ऐलान कर सको, फजाइल आले मोहम्मद बयान कर सको, या ये कहें कि वो दौर भी था कि जिस दौर में आज हम बैठकर शुक्र है परवरदिगार आलम का, शुक्र है इमाम हुज्जत का, शुक्र है अहले बैत अतहार अलैहिस्सलाम का कि आज बैठकर हम मिंबर से कम अज कम अपने मजमे में या अलल ऐलान इमाम महदी का नाम तो ले रहे हैं। ऐसा भी दौर गुजरा है कि जहाँ पर इमाम का नाम लेना भी गुनाह था, और अगर कोई इमाम महदी का नाम ले या उनकी तरफ इशारा करे या खुद को उनकी तरफ निस्बत दे तो ये निस्बत देना भी जुर्म था। हद ये थी, या तो कत्ल कर दिया जाता था, या तो जला वतन कर दिया जाता था, या अदाब व मुश्किलात का सामना करना होता। इंशाअल्लाह वो दौर भी आएगा कि जब हम जिक्र इमाम अलैहिस्सलाम इमाम के हुजूर में करेंगे। सलावत पढ़े मोहम्मद सुना सुना, क्या तुम बैठते हो और गुफ्तगू करते हो, मा शिअतुम जो चाहो, ये जो चाहो, और तजले सुना व तहद सुना बैठते हो गुफ्तगू करते हो। खुसूसन जो है मैं उन जवानों के लिए या उन अफराद के लिए कि जो जगह जगह पर मशक्क़तें उठाकर लोगों के घरों पर जगह जगह पर बैठकर रिवायात आइम्मे ताहिरीन अलैहिस्सलाम को बयान करते हैं, खुसूसन मैंने उनके लिए इस रवायत का इंतखाब किया है, दूर दराज के इलाकों में जाते हैं, जाकर वहाँ पर आइम्मे ताहिरीन की रवायात बयान करते हैं, उनके लिए अज्र क्या है, उनके लिए सवाब क्या है, वो कौन सा काम कर रहे हैं। आज बाज लोग अगर ये कहें कि बंद कमरे में क्या होता है, जो है बंद कमरे में क्या होता है हमें नहीं पता, भाई बंद कमरे में रवायात आइम्मे ताहिरीन ही बयान होती है, वो भी इस रवायत के ज़ेल में। सलवात पढ़े मोहम्मद सुना व तहद सुना माशेतुम, क्या तुम जो चाहते हो, माशेतुम जो चाहते हो वो बयान करते हो। इसका मतलब क्या है माशेतुम, वह इमाम बयान करना चाहते हैं कि देखो जमाना ऐसा है कि अगर तुम खुले आम लोगों के सामने मजमे आम में अगर हमारी फजीलत नहीं बयान कर सकते हो, हमारी रिवायात नहीं बयान कर सकते हो, तो कम अज कम इतना करो कि अपनी खास मजलिसें मुनक़िद करो और उस खास मजलिसों में वो तमाम चीज़ें बयान करो। यहाँ पर गौर कीजिए, वो तमाम चीज़ें बयान करो कि जो चीज़ें तुम मजमे आम में बयान नहीं कर सकते। भाई मजमे आम में हम ये कह सकते हैं कि इमाम अली बड़े करीम थे, मजमे आम में हम ये कह सकते हैं कि इमाम अली बड़े शुजा थे, खैबर का जो है दरवाज़ा उखाड़ा और खंदक में फला को मारा और इस्लाम को सरबलंद किया, लेकिन हम मजमे आम में ये नहीं कह सकते कि फला ने हक गस्ब किया, इमाम ने उसके खिलाफ क्या कहा। तवज्जो है, हमें अपनी खसूसी मजलिस में बैठ कर उन बातों को बयान करना है जो हम मजमे आम में नहीं बयान कर सकते हैं। सलवात पढ़ो इंशाअल्लाह, लेकिन वो दौर भी आएगा जब बयान करेंगे, लेकिन अभी जो है उन चीजों से ताकि हमारी नस्लें जो है वो गाफिल ना हो। इमाम ने फरमाया माशे तुम बयान करो, किसने हक को गस्ब किया, किसने जुल्म किया, किसने क्या किया, कौन हक है कौन बातिल है, किसने जो है
दीन के, किसने निफाक से काम किया, किसने फिस्क किया, किसने फजूर किया, ये सब बयान करो। सब अपनी खास मजलिसों में बयान करो, इसलिए कि अभी मजलिसे आम बयान करने का वक्त नहीं आया। इमाम अलैहिस्सलाम फरमाते जब कहा ना या मौला नजलिस व नतहद्दथ, बैठते हैं, बैठ के हम गुफ्तगू भी करते हैं। इमाम ने फरमाया इन्नी उहिब तिल्कल मजालिस, मैं ऐसी मजलिसों को दोस्त रखता हूँ। बल्कि एक रवायत में आगे का जुमला है इन्नी उहिब रीहकुम, ऐसी मजलिसें जहाँ पर होती हैं वहाँ पे जो जिक्र होता है, जिक्र होने के बाद जो लोगों के जिस्म में खुशबू होती है, मैं उस खुशबू से भी मोहब्बत सलवात पढ़ ले मोहम्मद। इंशाअल्लाह इमाम दुआ है कि परवरदिगार आलम आप सबको, हम सबको इमाम महदी मुंतजर के मुंतजरीन और मौला के नासिरीन में से शुमार से मुराद ये नहीं है कि जब इमाम जहूर करेंगे उस वक्त के हम नासिर बने, नहीं, उस वक्त का नासिर बनने के लिए दुआ कीजिए। देखिए बात है, क्या कहना चाहता हूँ, उस वक्त के नासिर बनने के लिए दुआ कीजिए, इस वक्त नुसरत कीजिए, दोनों में फर्क है। इस वक्त सिर्फ नासिर बनने की उस वक्त की दुआ मत कीजिए, हर आन हर लम्हा आज से इसी वक्त से इसी साहब से मदद कीजिए। ये दोनों मौके हमारे पास हैं, इमाम के हुजूर में जाकर इमाम की मदद करना, वो जब इंशाअल्लाह जहूर करेंगे मदद करेंगे, लेकिन इस वक्त भी हम सिर्फ ये तमन्ना इस खाम ख्याली में न रहें कि हम नासिरे परवरदगार हमें इमाम जमाना के नासिर में शुमार कर, और हमारे जहन में ये हो कि जब वो आएंगे जिंदा रहेंगे तो उनके लश्कर में जाएंगे, मर जाएंगे तो जैसे रवायत कहती है कब्र से उठाए जाएंगे तो मौला के नासिर होंगे, ऐसा नहीं है। वो उस वक्त की नुसरत है, इस वक्त की भी नुसरत जरूरी है, इस वक्त की नुसरत जरूरी है, आज की नुसरत जरूरी है। मौला पूछ लेंगे, यही कहेंगे, ये तो कहते थे दोनों नुसरत मतलू है हमसे, जब हम ये कहेंगे कि मौला मौला के हुजूर वाली सिर्फ अगर दावत करेंगे दावो करेंगे तो मौला पूछ लेंगे कि इसमें आने के लिए तो दुआ कर रहे थे, लेकिन जो वक्त जब जिंदा थे तुम मौजूद थे उस वक्त जो मेरी मदद की जरूरत थी तो उस वक्त तुमने मेरी मदद क्यों नहीं की। ये दौर भी इमाम की नुसरत का है, ये जो जमाना है दौर हाजिर हर लम्हा, यानी हमारी ये जो सांस ये लम्हा हम जो गुजर रहे हैं इसमें भी ये भी वक्त और जमाना तलब कर रहा है कि हम इसमें भी इमाम की मदद करें, इसमें भी इमाम की नुसरत करें। अब वो नुसरत का तरीका क्या है, रवायात उलमा उसे बयान करेंगे, रवायात क्या कहती है, अपने किरदार को मैं खुलासतन बयान करूँ, अपने किरदार को किरदार इस्लामी बनाकर, अपने किरदार को किरदार इस्लामी बनाकर, अपने माशरे को माशरे इस्लामी बनाकर, अपने बिरादरान और अपने जो दोस्त व अहबाब जो ये कहें कि बल्कि अहले बैत के जो चाहने वाले हैं उन सब की मदद करके इस वक्त जो है हम इमाम अलैहिस्सलाम की मदद कर सकते हैं। बिल्कुल उसी तरह से जैसे उलमा तफसीर करते हैं कि इमाम हुसैन सलाम ने करबला में जो कहा था हल मिन नासिरिन यंसुरना, आप लोग सुनते हैं ना, वो जो इमाम का नारा था वो सिर्फ उस वक्त के लिए नहीं था, बल्कि आज भी इमाम जो है कह रहे हैं कि हमारी मदद करो, आज भी इमाम की उसी तरह से नुसरत इमाम के लिए सिर्फ ये तमन्ना न कहीं कीजिए कि जब इमाम जाहिर होंगे तब हम मदद करेंगे, बल्कि हर लम्हा जैसे जैसे हमारी जिंदगी का एक एक नफस गुजर रहा है हर लम्हा इमाम हमसे तलब कर रहे हैं कि मेरी मदद करो, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो, और हमारे ऊपर हर आन जरूरी है कि हम इमाम अलैहिस्सलाम की मदद करें। वाला कल जब इमाम की खिदमत में हम पहुंचेंगे तो सवाल कर लेंगे इस वक्त नुसरत के लिए आए हो, उस वक्त जब तुम जिंदगी गुजार रहे थे उस वक्त भी तो मुझे मदद की जरूरत थी, उस वक्त क्यों नहीं तुमने मदद किया, उस वक्त क्यों नहीं तुमने मेरी मदद किया। सलवात पढ़े मोहम्मद अल्लाह।
हर कोई इमाम का चाहने वाला होगा, ऐसा कोई नासिर होगा, ऐसा कोई मददगार होगा, तो इमाम अलैहिस्सलाम की नुसरत की तमन्ना जो है, ऐसा जो होगा जो अपने किरदार को ले जाएगा, तो उस वक्त जब इमाम जाहिर होंगे खुद ब खुद इमाम के पास पहुँच जाएगा। कैसे पहुँचेगा? जिस तरह से बादल तजतमे, जिस तरह से बादल खरीफ वाला बादल जमा होता है। अच्छा, यहाँ पर जब ये रवायत में अभी एक नुक्ता लतीफ जो है उसमें आया कि ये जो है क्या फरमाया कि क्या कज़ाइल खरीफ तजतमे हो, रवायत बहुत से अल्फाज हैं आगे पीछे के साथ, लेकिन उनमें से तजतमे और क्या कज़ाइल खरीफ, ये लोग ऐसे जमा होंगे कि जैसे खरीफ का बादल। ये मौला ने जो है कज़ाइल खरीफ क्यों कहा? कज़ यानी बादल। भाई बहुत सी चीजें हैं कि जो जमा होती हैं, हवा चलती है तो बिखरे हुए पत्ते भी जमा हो जाते हैं, है ना, और बहुत सारी चीजें हैं जो तबीयत तौर पे बिखरी हुई होती हैं लेकिन जमा हो जाती हैं। लेकिन इमाम ने बिखरे हुए को समेटने की जो मिसाल दी है, तशबीह दी है, वो सिमटे हुए बादल को बिखरने की क्यों दी है? तवज्जो है, बस यही बात कहेंगे, गुफ्तगू को खत्म कर देना है। बहुत सी चीजें बिखरी हुई होती हैं लेकिन बिखर के इकट्ठा होती हैं। इमाम ने किसी की ऐसी मिसाल उसकी मिसाल नहीं दी, रिवायत में जो मिसाल दी है अपने चाहने वालों को कि वो मेरे इर्द गिर्द जब जमा होंगे तो उस बादल की तरह जो खरीफ का बादल है वैसे ही जमा होंगे, वैसे ही जमा होंगे। तवज्जो है ना आपकी, तवज्जो है ना। बस नतीजा देके मैं गुफ्तगू को खत्म करना चाहता हूँ। बहुत सारी बिखरी हुई चीजें जमा होती हैं, इमाम किसी चीज से तशबीह दे देते, मासूम किसी चीज से तशबीह दे देते, लेकिन ये बिखरे हुए बादल से क्यों तशबीह दी? तो मेरा जहन जहां तक गया मैं उसका नतीजा आपको पहुंचाता हूं। गोया इमाम ये कहना चाहते हैं जब बिखरा हुआ बादल इकट्ठा होता है तो रहमतों की बारिश होती है, रहमतों का नुजूल होता है, रहमतों का नुजूल होता है। जब बिखरा हुआ बादल इकट्ठा होता है बारिश होती है, बारिश होती है, रहमतों का नुजूल होता है। इसी तरह से जब इमाम का जहूर होगा, इमाम के चाहने वाले इस बादल की तरह से इकट्ठा होंगे, वहां रहमतों का नुजूल होगा, रहमतों की बारिश। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलावातुका अलैहि व अला आलिही في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ومكاته وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على السلام عليكم أئمة الهدى ورحمة الله وبركاته. استودعكم الله وأقرأ عليكم السلام. آمنا بالله وبالرسول وبما جئتم به ودللتم عليه. اللهم فاكتبنا مع الشاهدين.